बेगूसराय के बलियानु मंडलीय न्यायालय के अधिवक्ताओं की शिकायत पर आज बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने खुद न्यायालय का निरीक्षण किया और अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया। रुख करते हैं पूरी खबर की ओर। दरअसल अधिवक्ताओं का आरोप था कि पिछले दो वर्षों से बलिया अनुमंडलीय न्यायालय में कोई भी न्यायिक कार्य नहीं किया जा रहा, जिससे अधिवक्ताओं की रोजी रोटी पर खासा असर पड़ रहा है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया, पिछले वर्ष कोरोना काल से ही न्यायालय का कार्य स्थगित किया गया था, लेकिन अब अधिवक्ताओं की मांग को देखते हुए बलिया न्यायालय से जुड़े पदाधिकारियों को डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने आवश्यक निर्देश देते हुए कहा, जल्द से जल्द न्यायिक कार्य शुरू किया जाए। यहाँ पे चूँकि कोरोना के टाइम पे और इलेक्शन के टाइम पे कोर्ट नहीं हो रहा था, उन्होंने द्वारा आया था नियमित कोर्ट नहीं हो रहा है, उसी क्रम में स्वयं जांच करने आए हुए थे कि क्या सच्चाई है। तो जांच में अभी जो बातें आई हैं कि मार्च 2020 के पहले तक तो कोर्ट चल रहा था, मार्च के बाद जब लॉकडाउन लगा तो उसमें बंद हुआ था और कोविड के कारण कोर्ट बंद रहा था। फिर चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के पश्चात पुनः प्रारंभ हुआ और फिर ये भी चलता रहा अप्रैल तक, 10 अप्रैल तक का लास्ट तिथि भी देख रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोविड के कारण और इलेक्शन के कारण ही उस पीरियड में कोर्ट का संचालन बाधित रहा है, तो जो कि जस्टिफाइड लगता है। और बाकी हम लोगों के संबंध में विभाग को